यस, गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो फर्स्टली ऑल द बेस्ट टू एवरी वन जिनका एग्जाम है आज की शिफ्ट में, अपकमिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम आने वाला है। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जब एमपीटेट का एग्जाम होने वाला है। काफ़ी सालों से हम लोग तैयारी कर रहे थे, सिंस 2019 बोल रहे, तो सिर्फ ग्रेड थ्री पर हम लोगों ने फोकस किया है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किन किन चीज़ों को रिवाइज करना है, शॉर्ट रिविज़न हो गया, पेपर्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो सारी हमने तैयारी कर लिए। सो दिस टाइम फोकस्ड होकर रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि तैयारी करिए, पूरा टाइम मिला है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला था या तैयारी नहीं हुई है, जितनी भी हुई है सफिशिएंट है ये मानकर चलिए। बस इतना सा कंसिडर कर लिए, जितनी भी तैयारी आपने करी है ना वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें कि लाइक टाइम कम मिला या घर पर बहुत काम था या फिर कुछ इशूज़ हो गए थे जिसके कारण हम लोग लास्ट टाइम पर पढ़ाई नहीं कर पाए, जस्ट अवॉइड इट। उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनको साइडलाइन करो, हटा दो उस फैक्टर को, अभी यहाँ से हटा दो। सिर्फ अभी जिनका अपकमिंग एग्जाम्स है उनके पास टाइम है, वो थोड़ा और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ी है सिर्फ उनको रिवाइज कर लेना है, और जिनका आज एग्जाम है उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्टली फोकस्ड होकर रहना है कि ये जो 2.5 घंटे हैं राइट, ये काफ़ी प्रीशियस हमारे लिए होने वाले हैं, तो ये जो 2.5 घंटे तक का जो आपका टाइम होगा इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। फर्स्टली इन 2.5 घंटों से पहले वाला जो टाइम है पूरा फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे के आप जो देख रहे हैं ना 2.5 घंटे पूरा सर हमारा जो है फोकस रहेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि दिमाग जो है पूरा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको आप स्किप करेंगे, किस में आपको तुक्का लगाना है, लाइक हम लोग करते हैं ना कि नहीं ये वाला ऑप्शन हो सकता है, मतलब पूरा दिमाग आपका एक जगह होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, फर्स्टली इधर उधर का कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है लाइक ये चीज़ हो गई या फिर आपको जाने में कोई दिक्कत हुई या जिस टाइम पर आपको पहुंचना था उससे आप 10 मिनट लेट हो गए, ऐसा भी होता है, बहुत सारी बार होता है और नॉर्मली होता ही है ये वाली चीज़, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है बिल्कुल अवॉइड करना है, ऐसी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देना है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो कि आज का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे से अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सारा बहुत अच्छे से कम्प्लीट कर लेंगे और पेपर में वही आएगा जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो डेफिनेट है कि पेपर वही आने वाला है, ऐसा बहुत आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, फोकस्ड रहना है, पॉजिटिव रहना है। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव आप रहकर पेपर को कंप्लीट करेंगे, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हो रही है या होने वाली है उनको जस्ट अवॉइड आपको करना है, इग्नोर करना है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इग्नोर कर दो, ठीक है। एग्जाम के बाद बैठकर आराम से उसके बारे में सोचते रहना है, इसने ऐसा किया तो क्यों किया, है ना, और किसी से वो डिस्कस नहीं करना है या खुद से भी वो डिस्कस नहीं करना है, यार ये टॉपिक रह गया मेरा या ये पढ़ना था या तुमने क्या पढ़ा, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, वो वाली डिस्कशन फिर आपको अभी याद नहीं आएगी, अभी जस्ट आपने बोला अच्छा तूने ये पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा, वो वाला करके आपने छोड़ दिया, लेकिन एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे, जब पेपर में आप क्वेश्चन आंसर टिक कर रहे होंगे ना, तब वो चीज़ आपको क्लिक करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ ही दो, एग्जाम के बाद बैठ के सब डिस्कस करना किसने कहाँ से पढ़ा था क्या पढ़ा था वो सब फिर बाद में आपने बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले डिस्कस करने की नहीं होती है, पहले क्या करना होता है, कुछ नहीं, शांत बैठो, चुपचाप रहो, फोकस रहो, दिमाग को एक जगह स्थिर करने का ट्राई करो। हम लोग नहीं पढ़ते साइकोलॉजी में, अटेंशन टाइम होता है ना, स्पान टाइम होता है, क्योंकि 2.5 घंटे फोकस रहना है तो उससे पहले दिमाग को शांत रखना ज़रूरी होता है ना, तो दिमाग को शांत रखना है, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्लस क्या क्या लेकर जाना है एग्ज़ाम में, आप सभी को बताएं, नॉर्मल पेन लेकर जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेकर जानी है, लाइक आपने वॉच पहनी हुई है तो फिर वो वहाँ बाहर खुलवा लेंगे, नॉर्मल सी बात है, ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो तो वॉच पहनकर कौन जाता है, ठीक है, वॉच नहीं पहनना है। और गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह अगर आप अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर कई बार बहुत सारी बार ऐसी चीज़ें खुलवा ली जाती है ना, तो वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड वाला सामान अपने घर पर ही खोल कर जाइए, ईयरिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहने तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और बॉयज़ में यदि बात करें तो शूज़ वगैरह को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बार सॉक्स वगैरह वो सब कुछ खुलवा लेते हैं, तो नॉर्मल सैंडल पहनकर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स में भी सेम चीज़ होगी, है ना, जितना ज़्यादा आप रहेंगे ना, जितना ज़्यादा आप नॉर्मल जाएंगे उतना वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे वहाँ पे, नहीं तो वो चीज़ फिर डिस्टर्ब कर देती है कि आप बाहर जूते खोलिए, मोजे खोलिए, बाहर निकाल कर जाइए, फिर गर्ल्स है तो फिर उनकी चेकिंग होगी, वो गोल्ड का सारा सामान खुलवा लेंगे और जो आप नहीं खोलोगे तो उस पर टेप लगा देंगे, तो वो सिचुएशन ना बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। फिर ये चीज़ें जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर बैठ रहे होते हो और स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं ना, जब आप पूरा फिल कर रहे होते हो, जहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे होते हो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे होते हो, वो चीज़ फिर उस टाइम पर डिस्टर्ब करती है, यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो वो चीज़ें आप शुरुआत से ही अवॉइड कर दें, नॉर्मल पेन वगैरह चीज़ें लेकर जाएं, है ना, पानी की बोतल आप रख सकते हैं, वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि बॉटल्स भी बाहर रखवा ली जाती है ना, फिर भी आप एक नॉर्मल पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है, ऐसी वो अपनी वाली बोतल लेकर ना जाएं, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट जो पानी की बोतल मिलती है मार्केट में वो नॉर्मल वाली बोतल आप लेकर जाइए, ठीक है, जिसमें आर पार सब कुछ दिखता हो, उनको ऐसा नहीं लगे कि आप बोतल में भी कुछ छिपा कर लेकर जा रहे हैं, वैसी वाली चीज़ें नहीं करनी है।
बैग में आप ज़्यादा पैसे या ऐसी चीज़ें लेकर मत जाइए, क्योंकि बैग आपका बाहर रखवाएंगे और जब आप अंदर बैठे होंगे ना, तब आपको चीज़ क्लिक करेगी यार पैसे कोई निकाल कर नहीं लेकर जाए या मेरे बैग में से कोई कुछ लेकर ना जाए। तो वो वाला रिस्क फैक्टर भी जो है आपको अवॉइड करना है। यदि आपके साथ कोई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। बट इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपको, क्योंकि वो जो 2.5 घंटे वाला टाइम है और उसके पहले जो 15 मिनट आपको जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब फिल करने होते हैं ना, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें क्लिक करती है, क्योंकि उस टाइम करने को कुछ होता नहीं है, तो इधर उधर की चीज़ें दिमाग में आती है, तो फिर यही सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर लें, है ना। एंड यस, ऑनलाइन एग्जाम देना ऑफलाइन पेपर से काफ़ी इजी होता है, ये चीज़ आप समझ लें, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है ना, हम काफ़ी नर्वस हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहली पहली बार कंप्यूटर पर बैठकर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो माउस चलाना, कीबोर्ड को बिल्कुल टच नहीं करना, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पर दिए जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा डरा देती है। बहुत ही ईजी होता है, सबमिट वाला बटन बिल्कुल लास्ट में होता है, आप चाहे 10 बार सबमिट पर क्लिक कर लेंगे ना तो भी सबमिट नहीं होगा, है ना। तो वो वाली चीज़ डरना नहीं है, जब वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको नॉर्मली सुनना है, घबराना नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या सुना है, ऐसा तो नहीं मेरा कुछ रह गया। वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर खड़े होते हैं, जो आपको मेंटर होते हैं, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, ये करिए ये करिए, है ना, आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, आप उनसे 10 बार भी पूछेंगे ना, वो आपको 10 बार भी जवाब देंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ डरने वाली नहीं होती है कि कंप्यूटर पर कैसे एग्ज़ाम लगाएंगे, कैसे टिक करेंगे। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट मिलते हैं ना, वो इंस्ट्रक्शन वो आपको देते हैं, तो आप उनसे पूरा पूछ लीजिएगा, जहाँ पर भी कोई डाउट आ रहा है कि कैसे क्या क्लिक करना है, लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करना है, वैसे सब कुछ हिंदी में रहेगा, आप पढ़ सकते हैं, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दे रहे होंगे उनको ऐसे हैंड रेस करके पूछ सकते हैं कि कैसे मुझे ये फिल करना है। कीबोर्ड को दैट टाइम आपको टच नहीं करना होता है, जितनी भी चीज़ें होती है वो माउस से ही हो जाती है, ठीक है। तो कीबोर्ड को थोड़ा सा आप साइड कर देना, वैसे वो साइड करके ही रखते हैं, बट फिर भी उस पर कोई भी की जो होती है ना उसको क्लिक नहीं करना होता है, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन वैसे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस जैसे कि वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस को फिल कर रहे होंगे, जो वहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा कि आप हिंदी में पूरा पेपर देखना चाहेंगे इंग्लिश में, और वो बाइलिंगुअल भी होता है, ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको वैसे दिख जाएगा, वो वाला कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और पेपर को अच्छे से देना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। लाइक आपने पहला क्वेश्चन किया, आपको आ गया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस टाइम के लिए आप स्किप कर दीजिए, लेकिन लास्ट के 15 मिनट ऐसे बचाना जिसमें आप सारे क्वेश्चन पर ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको टिक कर दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं स्टार्टिंग में, उनको लास्ट में कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट रखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से पेपर करिएगा, आपको लग रहा है कि गद्य पद्य में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उनको आप थोड़ा लास्ट में कर सकते हैं, बट इतना भी लास्ट में नहीं कि लास्ट के 10 मिनट में आप सारे लाइक हिंदी हो गया तो उसके गद्यांश पद्यांश कर लोगे। गद्यांश पद्यांश ऐसे आते हैं जिसकी लैंग्वेज टफ रहती है, ठीक है, तो उसको आप मिड में कर सकते हैं, फिर लास्ट में करें तो उसके लिए आधा आधा घंटा आप अप्रोक्स बचा कर रखें, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत टाइम लेती है, और नंबर स्कोर करना है ना तो वो गद्य पद्य से ही होते हैं, क्योंकि पूरा गद्य आपके सामने क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर हो गया, ठीक है, उसमें स्क्रॉल करने वाला इशू होता है, ठीक है। तो आराम से आप पहले जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले पहले कंप्लीट कर लें, फिर गद्य पद्य को स्टार्ट कर लें, इंग्लिश में भी आपका अनसीन पैसेज हो गया, संस्कृत में भी सेम चीज़ हो गई, ठीक है, तो वो स्कोरिंग पॉइंट है, ठीक है। उनको एक भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना है, 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, पहले जो आपको आता है उनको कंप्लीट कर लो। जिन भी क्वेश्चन में डाउट है, सबसे पहला ऑप्शन कि आप ऑप्शन कटिंग मेथड लगा दें, जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसका तो हो ही नहीं सकता है उसको हटा दो, लास्ट के जो दो ऑप्शन बचेंगे उसमें से फिर आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करना है। और लास्ट में आता है आपका सबमिट वाला ऑप्शन, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 1.5 घंटे में पेपर हो गया तो आप सबमिट करके बाहर आ गए, वो वाली चीज़ तो अभी होती नहीं है, ठीक है। तो बीच में भी यदि आप सबमिट करने का भी ट्राई करेंगे तो वो वैसे भी सबमिट नहीं होगा, ठीक है, वो लास्ट में ही सबमिट होता है, जब 2.5 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको क्लिक करके सबमिट करने की भी नीड नहीं होती है, ठीक है, आप नहीं सबमिट करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक से हो जाएगा, तो वो वाला कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्लस वन मोर एक चीज़ और होती है, वैसे वो हम लोग बोले तो 100 में से 1 स्टूडेंट के साथ होती है, ठीक है। बहुत सारी बार क्या होता है कि टेक्निकल चीज़ें होती है, टेक्निकल एरर आ जाती है, कभी भी क्या होता है कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है, ठीक है। मैंने खुद ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए तो इसका एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रही थी, लास्ट के मान लो 25 मिनट बचे हैं और आपका जो है हैंग हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, तो उसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं होती, आपका टाइम वहीं स्टॉप हो जाएगा, आपका जो टाइमर चल रहा होगा ना वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। बहुत सारी बार ऐसी एरर आती है तो आपको दूसरे कंप्यूटर पर बिठा दिया जाता है, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर पर आप बैठोगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा, तो इस बीच में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारी बार 100 में से 1 स्टूडेंट को कंप्यूटर पर दिक्कत आ जाती है, उनका हैंग हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है कि पावर सप्लाई पावर कट हो जाता है,
ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो घबराना नहीं है, वो वापस से आपका चल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम को भी आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट करें। फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है अपकमिंग शिफ्ट वालों को कि हाँ मुझे इसमें डाउट है कि कैसे पेपर लगाऊंगा, कोई भी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, अच्छे से करिएगा, टेंशन फ्री होकर अपना पेपर कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।